अब ब्याह हो रहा है ना तो नया नया नौटंकी हो गया। आजकल की नया नया आ रही है इस गांव में ना, लड़का नर्सरी में हुआ, 4-5 साल का हुआ, कहा तो बबुआ को पढ़ाना है, शहर में बसेंगे। ये सचेत करते हैं, ये बच्चों को पढ़ाना नहीं है, ये स्ट्रेटजी है। मेन तो पढ़ाई जो होती है ना वो 7 के बाद स्टार्ट होती है, 7th से। जो भी लड़के पढ़ने में कमजोर हुए थे 9th से किए थे। अब तो मेरे ख्याल से लड़की से भी गुड्डा गुड्डी से नहीं खेल रही, इसे मोबाइले में सब परेशान है आप। नहीं तो पहले गुड्डा गुड्डी ले आएगी सब, 10 मिनट रखेगी सब, खाना खाओ ब्याह हो गया, खाना खाओ ब्याह हो गया। आप सब खत्म हो गया, ये सब चीज मोबाइल आ गया, सब मोबाइले में घुसल लाता है यहाँ पे। गांव में अभी भी ये सब होता है ना, अब गांव भी बहुत एडवांस हो गया है, समझ आ गया कि नहीं? गांव भी एडवांस हो गया है और नया नया गांव में लड़की ब्याह हो रहा है ना तो नया नया नौटंकी हो गया। आजकल की नया नया आ रही है इस गाँव में ना, लड़का नर्सरी में हुआ, 4-5 साल का हुआ, कहा तो बबुआ को पढ़ाना है, शहर में बसेंगे। कौन बार शहर में पढ़ाई हो जाता है जी, बढ़िया और चौपट हो जाएगा बिगड़ के वहां पे ना, तो बबुआ कहाँ रहेंगे? बबुआ जाएंगे स्कूल, इनको मिल जाएगा सास ससुर से छुटकारा, आराम से 2 आदमी का खाना बनेगा और बाकी दिन सीरियल चलेगा। दादा दादी जीवन के सिलेबस का एक हिस्सा है, जिस तरह मैट्रिक इंटर है ना उस तरह दादा दादी है। आप सबको हम सावधान करते हैं, ये सचेत करते हैं, ये बच्चों को पढ़ाना नहीं है, ये स्ट्रेटजी है। लड़कुआ के नाम पे तो आप मना नहीं करेंगे, 7-8 तक क्या पढ़े कोई ज्यादा वो नहीं होता है, क्या पढ़े हैं वहां तक 7-8 तक। लड़के को रीडिंग लगाना आ गया, हिंदी अंग्रेजी पढ़ लेता है, सस्टेन कर पाता है 4-5 घंटा। मेन तो पढ़ाई जो होती है ना वो 7 के बाद स्टार्ट होती है, 7th से। अब 6 देखिए, 7th से अगर गड़बड़ करेंगे ना तो 9th में जाके नहीं सुधर पाएंगे, क्योंकि 9th से फिर प्रेशर आने लगता है। तो 7th में जब आ गया तो थोड़ा ध्यान दीजिए लड़कों को, बाबू पढ़ ले, ये नहीं कि जान ले लेते रहा हम यहाँ पे, पढ़ लो 2-4 घंटा सस्टेन कर सके वहां पे, टेबल आ जाए, बटापे का जोड़ आ जाए तो बढ़िया से समझा दो धीरे धीरे यहाँ पे। उसको मेन उसके ऊपर प्रेशर लगा देना 8 से, क्योंकि 8 बिगड़ा तो 9 पक्का बिगड़ेगा, और 9th गया तो 10th तो किसी कीमत पे नहीं सुधरेगा, गया 10th तो सब गया, काम खत्म। तो मतलब आपको स्टार्टिंग कर देना है 7th से, 7th इसलिए ताकि 8 बन सके, और 8 इसलिए कि 9th बन सके। जो भी लड़के पढ़ने में कमजोर हुए थे 9th से गए थे, 9th से चौपट हुए थे सब, 9th गया तो 10th अपने से बोझ हो जाएगा यहाँ पे। और आप आज के टाइम पे तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बच्चों के बारे में इतना सोच रहा है कि 11th का एग्जाम ही नहीं लेता, मतलब लेता तो ऐसे पास हो जाता सीधे 12th। अरे अब 12th, हम लोग के समय 11th नहीं होता था, 11th तो 12th का 7 एग्जाम होता था, एग्जाम ही नहीं होता है और पूछता भी नहीं, तो बात बराबर ही हो जाता है, अजीब हो गया। हम लोग के समय ऑनर्स 3 होते थे, हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, जीएस सब्सिडरी में। अभी झुंझुना है ऑनर्स लिए हैं सब्सिडरी, तो नहीं ये कौन सी होता है, पीएचडी कर रहा है क्या कि ये को टॉपिक दे देंगे उसको, होता है। अब आप लोग के लिए आराम है, हाँ बहुत जगह होता है अभी भी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अभी भी 3 को ग्रेजुएशन, BHU में भी, हाँ अवध में भी है, AMU में भी है 3 ऑनर्स। ये बिहार में ज्यादा नौटंकी है यहाँ पे, UP के लगभग सारे यूनिवर्सिटी में 3 ऑनर्स का मतलब वो है, जनरल ग्रेजुएशन बोलते हैं उसको, ऑनर्स नहीं जनरल ग्रेजुएशन बोले। यहाँ पे पता नहीं क्या है कर दिया यहाँ पे, जबकि मेहनत तो सब कर सकते हैं। ईमानदारी से बोलो सब्सिडरी कौन पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता, यहाँ तो ग्रेजुएशन है कौन नहीं पढ़ता।